सर आउट ऑफ 10 सर 100 सर इसके लिए सर मीन्स वही बोल रहा हूँ सर मैं, मीन्स आपने जो पढ़ा है सर वो स्ट्रेटेजी मैंने मार्केट में अप्लाई की, आपने बोलने के बावजूद भी सर मैंने मार्केट के मीन्स आपके अगेंस्ट में सर मैंने ट्रेड लिया, वो ट्रेड मेरे सभी ट्रेड जो लिए ना सर मैंने वो सक्सेस रहे। मीन्स जितना पे मैंने आपके क्लास के लिए किया सर उससे मीन्स दुगना मैंने मार्केट से गेन कर लिया सर, जो आपके 7 डेज के बाद में जो मैंने ट्रेड किए। तो सर इसके लिए सर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि आपके जो ट्रेडिंग है ना 10 की, तो मीन्स उसके लिए मैं आपको 100 मार्क्स दे रहा हूँ। मीन्स उसमें सर कुछ ये डाउट ही नहीं है सर। तो सबसे पहले तो आपने जिस तरह से सिखाया है, मतलब कि जो टेक्निक है सिखाने की, स्टोरी बाय स्टोरी पॉइंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी मैं चार्ट देखने बैठती हूँ ना तो मुझे हर शब्द हर वॉइस सुनाई देता है कि ये ऐसे है वो वैसे है। तो आपका टीचिंग टेक्निक जो है वो मतलब औसम है, नो वर्ड। जो भी चार्ट थे हम लोग देखते थे, कैंडल्स देखते थे, सब कुछ मैं देखती थी। तो जी क्या ये सब पता था, लेकिन उसको किस तरह से देखना, किस तरह की जो साइकोलॉजी है जो अपने दिमाग में आपने भर दी है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपने जस्ट मतलब कॉन्फिडेंस भर दिया है। इधर आई व्यू जो है ना वो एक्चुअल में आपने दिया है कि मार्केट को देखने का जो तरीका है वही सब है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। और वो जो आपने दिया है ना वो औसम है, नो वर्ड। और जैसे अभी योगेश सर ने कहा कि उन्होंने ट्रेड किया, मैंने भी 2 ट्रेड किए निफ्टी में। अच्छा। और दोनों मेरे अच्छे गए, जैसे वो क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात। और वो अपने जो थी हाँ वो उसमें मैंने 2 बार किया, आज भी मैंने ट्राई किया और वो प्रॉपर गया। और मैंने मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मार्केट से विथड्रॉ किया है कुछ, तो अदर ऑलवेज मैं मार्केट में देती रही और मैंने कुछ विथड्रॉ किया। तो आई एम जस्ट हैप्पी और मुझे वर्ड नहीं आपको बोलने के लिए थैंक्स कि आपने जो दिया है अमेजिंग मतलब टीचिंग इज वेरी नाइस। कि मैंने बहुत से लोगों से मतलब पहले 1 साल से ट्रेड करता था, थोड़े 2-3 लोगों से सीखा, नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत लोगों ने मैथ्स के फॉर्मूले और ये वो ट्रेड लेने में ही टाइम जाता था। बट पहले 2 दिन जो आपने सिखाया पहले मेरे को लगा क्या चल रहा है, बट एक्चुअली जब मैंने एनालिसिस और वो 7 दिन मैंने रोज मार्केट देखा तो समझा कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एंड ताकि सर जो आप बराबर बोलते थे ठोको और बाय करो, मैंने 2 चीज देखी कि कहाँ पे बाय करना है, जो पहले मैं उल्टा करता था। तो थैंक्स अ लॉट सर, मैंने कैपअप में 2-3 दिन ट्रेड किया, मिला बैंक निफ्टी में। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जितने भी सीखा कुछ फॉर्मूले इंडिकेटर से सीखा है, बट आपने प्लेन मैनुअल सीखा है और कैसे बैठता है, क्या करना है, मार्केट में वोलेटिलिटी कैसे लेके आते हैं जो ऑपरेटर समझा। और आगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो और इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि सर मेरी 10 दिन की क्लास दी है हमें, नॉट जस्ट 10 डेज क्लास सर। आपने अपना पूरा 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस समुंदर को कोजे में भर के ले दिया है। मेरी एक ये राय है कि मेरा फर्स्ट क्लास है सर ट्रेडिंग लाइन में। मैं ये कहूँगा कि बिगिनिंग एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ माय जी, वो यहीं पे खत्म होगा। तो 12-13 साल का जो पूरा एक्सपीरियंस है सर आपका, आपने 10 साल में दे दिया है। और मुझे लगता है हमें 10-12 साल लगेंगे इसको सीखने में, पूरा परफेक्ट होने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना नॉलेज आपने दिया है, क्योंकि सर मैं इस लाइन में आने से पहले सर 8 करोड़ रुपए का नुकसान में हूँ सर, लेकिन आपकी क्लास में आने के बाद सर इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि 80 करोड़ भी अगर मुझे होता ना तब भी मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग में नहीं सर, बिजनेस में सर। अच्छा। गोल्ड एंड गारमेंट का बिजनेस है सर मेरा। Okay. उसमें मुझे लॉस हुआ है। Okay. I'm so sorry. I was about to commit suicide सर, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने आपकी क्लासेस यूट्यूब में देखे और 3 लाख रुपए तक मैंने कमाए हैं सर आपके क्लासेस से, क्लास लेने से पहले। लेकिन अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है सर कि अगर 80 करोड़ भी होता ना तब भी मैं निकल जाऊंगा सर, क्योंकि ये जो आपने क्लास की है ना सर, इट्स नॉट जस्ट क्लास ऑफ 10 डेज सर, इट इज अ क्लास ऑफ 12 ईयर्स सर। थैंक यू सो मच। 12 साल को आपने आपने समुंदर को सर पूजे में भर के दे दिया सर। थैंक यू सो मच सर। हरी सर इज अ गॉड फादर ऑफ माय ट्रेडिंग करियर सर। थैंक सर हरी सर, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर इंडस्ट्री। थैंक यू सर। मैं 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी 4 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ है सर अब तक, है ना। ओके, लेकिन मैंने जो सीखा आपको बोलता था सर, मेरा आपका चिंदी स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, मेरा क्या था सर, बड़ा स्टॉप लॉस चिंदी टारगेट पहला काम सर। और दूसरा सर सही कह रहा हूँ सर, मेरे 12 साल की कोई अनुभव नहीं आ पाया। मैं छोटा सा टारगेट लेता, स्टॉप लॉस देखता रहता और आखिर में लॉस नहीं निकलना पड़ता, हमेशा सर ये होता है। दूसरा सर मेरे को 12 साल, आप तो 12 साल में इतने मतलब अपना सागर हो गए सर, हम कुछ नहीं पाए सर 12 साल में। पढ़े लिखे MSc करी हुई है सर मैंने, कुछ नहीं कर पाया सर, क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी तो समझाने का आपका तरीका है ना सर, और शाम बहुत अच्छा। थैंक यू। साइकोलॉजी समझने के बाद हमारी समझ में आई सर। आप कुछ बोल रहा हूँ और सर क्या हुआ कि आपको मैं वीडियो पहले से देखता था, तो उल्टा उल्टा स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, तो उससे मतलब मेरे प्रॉफिट्स आने लगे। लेकिन सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद में मुझे 2 चीज़ें पता चली। एक तो सर 2 व्यूज मिले मुझे। एक तो पहले मैं जब ट्रेडिंग करता था तो मेरे ऐसे हिट हो जाते थे, तो मैं उसको मतलब टेंशन में आने लगा यार डेली एनालिसिस। अभी जो चेंजेस आए तो अभी तो मतलब मुझे हंस के स्टॉप्स अभी मेरे स्टॉप्स छोटे हो गए, पहले बड़े थे स्टॉप्स, मतलब मेरे लॉस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अभी 10 लॉसेस मेरे कम हो गए और मतलब मैं हंस के ठीक है कि चलेगा छोटे सिंपल स्टॉप्स थे। तो ये चेक पे कॉन्फिडेंस आ गया जो पूरे 3 पॉइंट्स के लिए, मतलब 2 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट मिल जाए प्रॉफिट मैंने निकल जाए, पता लग कब ये रिवर्स हो जाएगा और पूरा तरह मेरा लॉस करके ऐसा हो जाएगा, तो डर लगता था पहले ऐसा तो 3 पॉइंट करके मैं क्लियर कर रहा था। अभी जो आपने जो दिया है कि अब अगर आएगा तो बड़ा आएगा, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। और सर ये मैं अब छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब जैसे जिसमें भी ऐसा होता है तो उसको मैं फिर अगली बार उससे डबल या ट्रिपल निकाल रहा हूँ सर। अभी तो मतलब छोटे से पेड़ से ग्रोथ नहीं हो मिलती, अभी ऐसा हो गया। मतलब 2 विजन मुझे मिले अच्छे होते तो मतलब अब तो पूरे लाइफ टाइम खाने आएंगे। और छोटे मोटे चीज़ों से अभी लॉसेस मुझे डर लगता ही पूरे टाइम मिल गया सर। दिस इज मोहित गुलाटी। पहले मार्केट में बहुत डर लगता था, मार्केट में सुबह बैठे तो ऐसा लगता था स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, छोटा सा टारगेट आ गया निकल गए। अभी कॉन्फिडेंटली ट्रेड भी लेता हूँ, तो पहले ट्रेड लेने में भी बहुत डर लगता था। और जो आपने 18,000 में 18 लाख रुपए की स्ट्रेटेजी दी है, क्या बात है सर, थैंक यू। और सर दिमाग का ढक्कन तो खुल ही गया है, पूरा ही खुल गया है अभी। अभी ट्रेड लेने में कोई डर लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं 4-5 साल से सर ट्रेड करता हूँ। पहले 400-500 रुपए मिले निकल जाते थे बारह, अभी 400-500 तो ऐसे दे देते सर। जैसे बिजना सर आज दूसरी बार आपसे बात कर रहा हूँ 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, क्या बात है। और आप तक है ना सर, एक ही बात बोलता हूँ कि अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे थे सर बस। और आपने है ना हमें अर्जुन बनाया सर बस, आपने द्रोणाचार्य बना के, आप द्रोणाचार्य तो है लेकिन हमें अर्जुन बनाने की कोशिश की है सर। और हम आगे चल के सचमुच अर्जुन बन जाएंगे, अपना निशाना एक जगह पे ही करेंगे सर। एक जगह पे स्ट्रेटजी दी है सर, मैं तो एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ सर। और मैं तो आपका फैन हूँ सर, वो टॉप पे ठोको वाले बस, बाकी मेरे को कुछ दिखता नहीं सर। जैसे टॉप आता है ठोकने का काम शुरू करते हैं सर बस। इतना एक स्ट्रेटजी इतना बढ़िया दिया है ना सर, बाकी तो मैंने दिमाग में मतलब सेव करके रखी है, लेकिन बहुत बढ़िया सर। टॉप पे ठोको, आज भी रिलायंस को टॉप पे ठोका था सर। बट कमिंग आई मीन टू क्लासेस, देखिए इस क्लासेस में ना जैसे लोगों ने बोला गुरु द्रोणाचार्य, तो ये बात सच इसमें गलत नहीं है कुछ भी कि इस क्लासेस में ना आपने बहुत ही प्योर इंटेंशन से, मतलब आई कैन फील कि बहुत एनर्जी लगा के आप 1-1.5 घंटे की क्लास को 2.5 घंटे 3 घंटे 20-20 बार लोगों का रिपीटिशन जब तक कुछ नहीं रहा, जब इट्स सो प्योर, इट्स सो प्योर कि हाँ जो हमारा टीचर है वो एक्चुअली गुरु है। ऐसा नहीं हमें फेलने के नाम पे गुरु है, वो एक्चुअली फील कर रहा है कि हाँ मुझे जो आता है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुमसे लो। सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास। कमिंग टू ट्रेड सर, ऑल द स्ट्रेटजीज आर टॉप ऑफ एवरीथिंग, वन ओवर रन एक के ऊपर एक भयंकर स्ट्रेटजीज है, सारी स्ट्रेटजी चलनी मैंने खूब प्रैक्टिस करके देखी है, अच्छा वाला प्रॉफिट आएगा। कोई भी स्ट्रेटजी अगर पकड़ लेते हैं even I have decided to take up only one strategy and I am sure आज मेरे को थोड़ा लॉस हुआ लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अब लेकिन कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा डॉट वाली तो स्ट्रेटजीज आर सुपर। मैं फिर भी इसी चीज को इम्पोर्टेंस दूंगा कि क्लास में जो इंटेंशन है सर आपकी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं अपना माल बेचा और निकल ऐसा कुछ नहीं, इट इज प्योरली प्योर इंटेंशन क्लास। तो मैं तो अगली क्लास की सब्सक्रिप्शन तो सर आपको बस सुनने के लिए लेना चाहता हूं। सर तो ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्लियर आई एम गेटिंग क्वाइट इमोशनल व्हाइल स्पीकिंग दिस। आई डोंट नो आई एम टॉकिंग राइट और टॉकिंग नॉनसेंस बट आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ। अभी भी जो मैं पहला पॉइंट दूंगा ना सर, टॉप रेटिंग इज ऑन प्योर इंटेंशन ऑफ दिस टीचर। पहला पॉइंट वो है पैसा तो बन ही जाएगा सर, पैसा तो और भी बहुत तरीकों से बनता है, बन ही जाएगा। और इस तरीके में डेफिनेटली दिख रहा है, पहली बार मैं लाइफ में 3-4 बिजनेस कर दूंगा और मैं जॉब में हूँ, हर बार लपेटे में आता हूँ, निपटता हूँ। इसमें पहली बार कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार बस कुछ होगा। थैंक यू। फिर भी पहली बार टॉप पे इंटेंशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वीना सर। कंसीडरिंग एवरीवन हैज सेल्फ एंड लॉसेस का बहुत डिप्रेशन लेना नहीं है, कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना सिखाए हैं, बड़ा खाओ छोटा देओ बताए हैं। फील्ड डेज का लर्निंग तो बहुत बढ़िया था सर, साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज का 3rd आई दिए हैं सर। थैंक यू मैम। तो बहुत आभारी हैं सर, बहुत अच्छा था क्लासेस एंड नाउ आई एम फ्रेशर इन ट्रेड मार्केट। आई एम फोर्सिंग योर व्यू। मेरे भैया आपका एक यूट्यूब का वीडियो हाँ दिखाया सर। अच्छा ओके। तो उससे देखती थी हाँ। अब आयुर्वेद के डॉक्टर हूँ मैं, अब ये सभी इस कोरोना सब क्राइटेरिया से थोड़ा क्लिनिक से टाइम मिला जी, इसलिए और एक बिजनेस का सोच सकते हैं कह के आई हूँ। थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है पर उसमें कॉन्फिडेंस है, कमाती हूँ, आगे में अच्छा होगा। आप कॉन्फिडेंस दिलाए सर। एक स्ट्रेटजी आया है सर आपका पर फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। पिरामिड वाला स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसमें थैंक यू। आज सभी देख सकते हैं बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा होता पर आगे चल के मैं एस्टैब्लिश करूंगी सर। बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा सर, फीडबैक भी बियॉन्ड द स्काई सर। थैंक यू। मैं सोच रहा था सर, सच बोलता सर आने से पहले ये क्या बंदा 18,000 से ट्रेनिंग देने के लिए लेता है, ऐसे सोचा था सर हाँ। फिर भी क्या सोचा सर मैं मतलब इंजीनियरिंग के लिए भी डोनेशन भी थोड़ा ज्यादा दिया था सर मैंने। अच्छा। तो उधर लाखों का हुआ है क्या 18,000 क्या लाखों के सामने 18,000 क्या है, चलो डुबा देते क्या, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था सर जी। सर मैंने सर अभी लग रहा है सर क्या है सर सिर्फ इतना अच्छा से कर सिर्फ 18,000 रख दिया इसका फीस कर, कैसा लग सर आपका जो आप एजुकेशन देते सर आप, मैं समझता हूँ आपका सिर्फ पैशन है सर। आप तो रोज लाखों में कमाते सर, 18,000 के लिए आप क्यों पीछे पड़ते हो, इसी और पैशन आप स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहते हो सर, यही कहना चाहता हूँ सर। क्या क्या और कुछ नहीं कर सकते सर जी। जी जी समझ। आपके क्लास के बारे में तो सब लोग बता ही रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ जी, कि मैं एक बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ जी। जो भी सुन रहे हैं मैंने भी वही किया, आपने देखा कि ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं, ज़्यादा आंसर दिया नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता था एक बात मुझे समझ गई सर, सिर्फ 10 दिन अगर जो बंदा बैठ जाएगा आपकी क्लास में बिना कुछ बोले खाली सुनने का है जी, हर एक का एक मेंटल सेटअप रहता है, उस सेटअप के हिसाब से उसको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी सेटअप मिल ही जाता है सर कि जो उसको समझ गया, जरूरी नहीं है जितना सा है। और मैंने यही किया सर, और बाद में आपको सॉरी बोलता हूँ सर मैं कि मैंने जो ट्रेड किया है उसमें लगभग मैं 12,000 रुपये कमाए और मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सिर्फ 1.5 महीने का सर यूट्यूब पर। क्या बात है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपकी जो मैं 10 दिन चुपचाप बैठ के जो सुन रहा था, आपने जो नोट कर रहा था, आपने कुछ बातें ऐसी बताई जो मेरे नेचर से मैच करती और वही मैंने अप्लाई किया है सर, वही अप्लाई किया बराबर, कुछ नहीं सिर्फ चुपचाप बैठ के 10 दिन में कोई ना कोई चीज समझ में आई जाती है। सही बात है। और सर एक जो कॉन्फिडेंस आपने जो किया है सर, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता, देने की जरूरत नहीं सर, आपके क्लास में कोई बैठे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता। पहले मैं ट्रेड लेता था सर, अगर 10 शेयर भी लेता हूँ दिन भर में तो जब तक वो पूरा पीरियड 1.25 दिन में होता नहीं था, खत्म नहीं होता था, मुझे लगता क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी तो सर मैं बस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 5 मिनट का कैंडल देखता हूँ, सिचुएशन देखता हूँ, ट्रेड लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ सर। डायरेक्ट मैं 3:30 बजे खोलता हूँ कि क्या होगा, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ सर, इतना रिलैक्स हूँ। और मैं अभी तो सर क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा 200 की 300 की और आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, सिर्फ 1.5-2 महीने। क्या बात है सर, इतना बढ़िया टीचिंग मैं आज तक नहीं सीखा। और एक दूसरी बात मैं आपसे बोल करना चाहता हूँ सर, मैं होलसेलर हूँ लेकिन मेरे बिजनेस में ये आपको ट्रेडिंग का हो गया, लेकिन आपने जो कंसेप्ट बनाया इतना पावरफुल कंसेप्ट है सर, मेरे बिजनेस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अरे यार मैं तो पूरा 10-12 साल में अपने बिजनेस में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फैंटास्टिक सर, वेरी फैंटास्टिक सर। मैं बोलता हूँ ये मेरा मैं आपको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर। मैं क्या बात सर, एक्चुअली मैंने आपके बारे में पहले भी सुना था। फिर जैसे आपने बोला कि सब लोग लॉस के बाद ही यहाँ पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग ऐसा ही हो, आपके पास 100% सही है। और एक मैं चीज आपके पास के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि जो आप मुझे स्ट्रेटजी तो सब लोग 5 मिनट का काम है, उसको सब लोग सीख जाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा वो बढ़िया है वो है साइकोलॉजी। वो एक बार समझ में आ जाए ना तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी भी आपको समझ में आ जाएगी। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो आपको पहले भी बता ही देता है कि हम आपके बार ऐसे ही करने वाले, पर वो साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और आपके स्टूडेंट के परसेंट आप कितना वो देते हैं, मतलब 4 बजे का क्लास जिससे आप रात के 12 बजे आपको अपने फैमिली से भी ज़्यादा आपको टाइम देते हो, ऐसा मुझे लगता है। और आप एक एक चीज जो जिस तरफ से एग्जाम्पल देते हैं ना, वो जब भी मैं चार देखता हूँ मुझे वो एग्जाम्पल याद आता है कि हाँ सर ने ये ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बोला था, पर वो याद आता है। उसके बाद चार्ट में देख जाते हैं कि यही बनता है और यही करना है, आगे कुछ नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये बात बताना चाहता हूँ सर कि आपने जितने भी आप हर जितने भी होमवर्क किया और सबका एक-एक चार्ट आपने चेक किया है, और उस चार्ट में से जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कोई होमवर्क चेक करता भी नहीं है, मेरे ब्रदर ने कोर्स किए हुए 1-2-3 जो भी है, लेकिन वो बताता है कि होमवर्क कोई चेक नहीं करता है। ओके, जो आपने चेक सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सर, उसी ने मेरे को आपके बारे में बताया था और मैंने उसी के थ्रू आप मतलब ज्वाइन किया आपको। ओके, लास्ट 2 दिन से कॉन्फिडेंस है। पहले मैं 10-10 क्वान्टिटी करता था, लास्ट 2 दिन से मैंने जब क्वान्टिटी स्टार्ट कल से और आज से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉस हुआ थोड़ा सा ही था, फिर दूसरी बार आपने कहा डबल क्वांटिटी से करो, फिर डबल से किया तो मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा है। पर आज ठीक है, अभी स्मॉल है, इतना ज्यादा है नहीं है मेरे लिए। शुरू की जो सर फर्स्ट 5 क्लास थी आपकी साइकोलॉजी की, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, लास्ट में जाके पता पड़ा कि वही क्लास थी। अगर वो साइकोलॉजी अगर कोई किसी को आगे ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता ना सर, वो किसी में नहीं हुआ। जी सर, काफी मतलब 30 मिनट्स हो गए, सबको फीडबैक सुन रही हूँ सर, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। आपने 10 दिन कह के सर 12 दिन मतलब हमें 1.5 घंटा कह के 3 घंटे से ज़्यादा दिया है सर। और मतलब 2 साल से हूँ सर, बट जो कैपिटल डालती थी ये 2 दिन अर्न करके 3 साल था जी। और टेलीग्राम में काफ़ी जन को मैंने देखा है सर, बट आपका लर्न एंड अर्न वाले मोटो से इतना इंस्पायर हूँ कि अब लगा कि नहीं क्लास तो करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ अभी तक लिमिट में डालते ही आई हूँ। जब आपका क्लास किया सर, काफी क्लैरिटी हुई है सर, पता चला है कि क्या मिस्टेक्स हुई है आज तक, एसएल की इम्पोर्टेंस। फिर सर एटीएम मशीन है, हमें निकालना है जो भी प्रॉफिट आए, उसमें छोड़ना नहीं है जी, सिर्फ चढ़ावट देना है। एंड सर जो स्टोरीज से आपने हमें समझाया है सर, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो गया। क्या बात है, थैंक यू। जैसे स्कूल टाइम में हमारे टीचर्स हमें समझाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने हमें समझाया। थैंक यू सर। 10 आउट ऑफ 5 रेटिंग। हम लोग अब तक लॉस में रुकते थे एंड प्रॉफिट मतलब बस थोड़ा सा आया निकल जाते थे डर से, तो बस जो है लेकिन बट हमें लॉस में नहीं रुकना है। एसएल की इम्पोर्टेंस आपने जो जिस तरीके से समझाई है सर, वंडरफुल। हां सर, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और 12 साल पहले 50 लाख का लॉस किया था, उसके बाद मार्केट छोड़ दिया था। अरे बाप रे। कोरोना में थोड़ा टाइम मिला तो हाँ सर, तो ठीक है चलता है। लेकिन ये आपका सबसे बड़ा क्या है सर, साइकोलॉजी इतनी अच्छी पढ़ाते हो, और शेयर मार्केट को योग और साधना जो सब कुछ आपको कितनी जी, अभी योग करेगा कुछ पाएगा, साधना करेगा पूरी कुछ पाएगा नहीं, ये दो शब्द सही नहीं है। आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब आप आदमी खाली ग्लास भर के पानी लेने का आपका मतलब इस इससे क्या बोले जी, तो बहुत कम है क्या बोलोगे आपकी सब स्ट्रेटेजी है, इतना ही काफी है। इसमें आप खाली प्रैक्टिस करोगे ना 2 या 3 स्ट्रेटेजी में, कोई चांस ही नहीं क्या कभी लॉस कर पाओगे, मतलब नेट लॉस कभी नहीं होता, प्रॉफिट होगा। और इसको अपना दोस्त बनाना है, इसे प्यार करना है, गुंडा समझना है, ये सब तो और है ना सर, कोई भी बोलता नहीं। आपने ही बोला इतना यूनिक है, तो यही अपनी काम करना है बस। ये सबसे डर ये लगा मेरे कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी जो पावर आपको भरी है सब में। सब लोग शेयर बाजार में हमेशा डर तो क्योंकि पैसा डालने का बहुत डर है, बाकी कहीं जगह तो इसका डर नहीं होता। सबसे डर इसकी होती है इसको लोग बहुत, ये साधना है, जुआ और साधना में कितना अंतर सोचो आप। योग करते ना इतना चाहिए पेशेंट, तो ये आदमी सत्य हो जाएगा। लगभग बात की बात है, लेकिन आप करोगे मेहनत सच्चे दिल से तो कमाना ही कमाना है, कुछ प्रॉफिट लेके जाना है। ये सबसे मतलब ये है ना सर, आपने रूटीन चलाया आपको लगता है हेवी क्यों नहीं सर, आपके तो इतने हेवी निकलेगा ना, ये आप जनरेशन टू जनरेशन चलेगा आपका ये फोटो, आपके दुनिया में नहीं लगेगा आपका नाम हो सकता है। अपना आशीर्वाद देता हूँ आपसे, आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपको वही मैं आपके साथ अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से आपको हेल्प करेंगे। और मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इतना बहुत ऊपर नीचे देख चुका हूँ, मुझे अगर कुछ चाहिए तो आप बेफिक्र आधी रात तक बोल सकते हो। सर पहले दिन से सर पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती है हमारी, चाहे मम्मी को पापा को बहन को कुछ समझ में आए या ना आए। सर आपकी आवाज़ ही सुनने के लिए सब रात को 12 बजे तक जगते रहते हैं हमारे साथ, साइकोलॉजी सुनने के लिए सर बैठे रहते बस सर, न चाहे समझ में आए या ना आए। नहीं सर उस दिन जब मैं समझा रहा था, एक दिन पापा को भी समझा रहा था। ओके हाँ, पापा कह रहे थे अगर पहले मिलते तो शायद प्रॉफिट में होते, अभी पापा ने पहले वो लॉस हो गया था, पापा को यस बैंक में एवरेज करते जा रहे थे, कहने शायद पहले मिलते अरे सर तो ये लॉस नहीं होता, ब्रोकर के थ्रू करते थे ट्रेडिंग, इसलिए उन्हें लॉस हो गया था। बोलो नहीं सर मुझे नहीं आता है इसके बारे में, बस उनको ब्रोकर ने कहा ये पैसे इन्वेस्ट करो तो पैसे कमाए हो जाएंगे, मुझे तो आता नहीं है। तो मेरा बेटा है। अच्छा नमस्ते सर, नमस्ते अंकल जी जी ये मेरा बेटा है, ये बीकॉम कर रहा है अब, इसने शेयर मार्केट में मतलब ट्रेनिंग होनी एक जगह ली थी, इसको आपको जो है देखने लगा ये। हाँ जी ये आप इसने मुझे दिखाया, एक बार ये आपको ट्रेनिंग लेने के लिए करा था। हाँ जी तो मैंने आपने कहा भी कि तुमको लेके होनी डिस्काउंट की बात, तो इसने बताया मुझे दिखाया, तो मेरी बात मैंने कहा सर जो है तो दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो मैंने इसके बाद मैंने लो गई आप ट्रेनिंग लो पहले जी जी जी। मुझे तो आप मैं तो 12 बजे तक आपको बहुत आप मेरी दिली इच्छा है कि हम तो आपसे मिलने आएंगे हैं। Hi sir, basically I'm not good in Hindi, so I'm basically from Bangalore. I can speak Kannada or English. So sir, first of all, I want to thank you for building a great psychology. Thank you. So I started my salary with 4,000, and I used to put in a stock market, and I lost almost like 8 to 10 lakhs in the initial stages itself. Okay. My father used to tell me like you are into the gambling, so I had to throw you out of the house. With some confidence, I brought some money and I convinced him. Now I'm going to learn with Harrison, and then I'm going to start the trading. Perfect. So he was so happy. Now he is telling like okay, you can go ahead. So I have a confidence. Now you are learning, and then you are going to earn. Fantastic. So the kind of psychology you built in my mind is so great. I can't express it, but yes. You build a psychology like anything, sir. You see only red in my account. Now I started to green. See the greens. Thanks for that, sir. Thank you very much. I want to give a thought for it. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. So everywhere is a candle now. You are a great candle. You burn yourself and you are giving the everything to the society. Thanks for that, sir. Thank you. Namaskar, Guruji. मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप ट्रेडर हो कि टीचर हो, आप दोनों का मिक्सचर हो एकदम। बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसी हैबिट नहीं है ज़्यादा बात करने की। क्लास के बारे में मेरा यही कहना है कि 60% साइकोलॉजी तो सबको समझ में आ गई होगी, 101% लोगों को 60% तो आई है, बहुत सारे ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा अच्छा है वो लोग ने, बाकी सब चीज़ें भी 90% करीब करीब सब लोगों ने सीख लिया जी। मैं थोड़ा स्लो हूँ मगर मैं पावर पॉइंट आएगा, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख के ही मैं 101% में आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई विल डू दैट। थैंक यू यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।